अब तक आप सिर्फ पैसे निकालने के लिए एटीएम के चक्कर लगाते हैं, मगर आने वाले दिनों में एटीएम में आप अपना बॉडी टेस्ट भी करा सकते हैं। जी हाँ, हो सकता है कि सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, मगर राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है। एनडीएमसी ने साउथ वेस्ट दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पालिका केंद्र डिस्पेंसरी में इस एटीएम की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में अब स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। एटीएम जैसे ये मशीन 5 मिनट से भी कम समय में जांच की रिपोर्ट आपको दे देगी। एनडीएमसी ऐसे ही हेल्थ एटीएम दिल्ली में लगाने जा रही है। खास बात यह है कि ये जांच मुफ्त की जाएगी। आमतौर पर खून की जांच की रिपोर्ट मिलने पर 2 से 3 दिन का समय लगता है, जिससे न सिर्फ इलाज में देरी होती है बल्कि मरीजों को बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस समस्या को देखते हुए एनडीएमसी ने हेल्थ एटीएम लगाने की पहल कर दी है। कई विकसित देश जांच के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल भी करते हैं। एक पैरामेडिक इसको ऑपरेट कर सकता है और इसके लिए डॉक्टर का उस समय हर समय यहाँ होना जरूरी नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करके अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रह सके। इस मशीन के जरिए बीएमआई से लेकर शुगर, ब्लड प्रेशर, मलेरिया, टाइफाइड तक की जाँच की जा सकती है। फिलहाल ये मशीन पालिका केंद्र में लगाई गई है, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए इसे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा। पहले हमें छुट्टी करके जाना पड़ता था और बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, एक एक दो दो दिनों में रिपोर्ट मिलती थी, परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा। इससे मैडम बहुत फायदा यहाँ पर आ गई है, हमारे को जल्दी फटाफट टेस्ट हो जाते हैं और मिनटों मिनट हैंड टू हैंड दे देते हैं। यहाँ पे साथ में डिस्पेंसरी है, डॉक्टर से लिखवाइए, विद इन 5 मिनट्स आपका टेस्ट हो जाएगा और विद इन 5 मिनट्स आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाएगी हैंड टू हैंड। हर एक मशीन के साथ एक पैरामेडिक स्टाफ भी होता है जो मरीजों को जाँच में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करना उतना ही आसान है जितना कि एक आम एटीएम को इस्तेमाल करना। इसमें सबसे पहले मरीज को अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, जिसके बाद मशीन खुद आगे की प्रक्रिया के लिए गाइड करती है। सैंपल देने के बाद रिपोर्ट्स को एटीएम की स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है, साथ ही उसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है। इससे इलाज में तेजी की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।